पटियाला च हुई हिंसा तो बाद मान सरकार विरोधियों के निशाने ते आ गई है। विरोधी कानून व्यवस्था नू लेके सरकार नू घेर रहे ने। पटियाले जिहड़ी अज घटना हुई है बहुत मंदभागी है। हिंदू सिख साडा 9 मास दा रिश्ता एक मां दे बेटे है और पहला भी असी बहुत ज़्यादा आतंकवाद का जड़ा संताप हटा चुके हैं। बहुत नुकसान साढ़े पंजाब हो चुका पर शरारती जो तत्व आ कि ना कि कोई ना कोई तरीका कढ़ लेंदे आ। और मैं देख रहा कि जदों की नवी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की उदों का ही पंजाब च माहौल काफ़ी खराब चल रहा है और नित ऐसिया घटनावां हो रही जिदे विच आपसी तनाव बढ़ रहे हैं और जो उत्थे होया हैगा वो जो पिक्चर्स देखिया है वो दे मुताबक भी कोई पुलिस का रोल भी बहुत वधिया नहीं देखने को मिलिया। सरकार ने और पुलिस ने गैर जिम्मेवारी नाल सारा ये मामला जड़ा उन्हों हैंडल किया है। जब पहला पता सी पे दो अलग अलग समुदाय के कार्यक्रम है तो पुलिस को सतर्कता वरतनी चाहिए सी और बहुत विजिलेंट रहना चाहिए सी। सो मैनू लगता कि जिहड़ी सरकार आ उन्हों अपना रवैया बदल के और ठीक ढंग ना चीज़ा हैंडल करनिया चाहिए ताकि आपसी भाईचारा जिहड़ा बनिया रहे। मैं समझना कि पटियाले की घटना ने पंजाब के लोगों नू फिर दोबारा हिला के रख दिता है। पंजाब के लोगों नू फिर सोचन ते मजबूर कर दिता है कि पंजाब पहले भी बड़े काले दौर चो गुजरिया है। पंजाब ने पहले बड़ा संताप हंडाया है। पंजाब ने बहुत सारा नुकसान पहले ही अपने पिंडे दे सहया है। साडी सारयां दी जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब दोबारा हालात ना बिगड़न, आपसी भाईचारक सांझ ये बरकरार रहे। मुख्यमंत्री जी नूं अपील करांगा कि फौरी तौर ते पटियाला दे अंदर जाओ, उत्थे पीस कमेटियां बनाओ, सियासी पार्टियां दे नाल बैठ के गल करो, धार्मिक जथेबंदियां नाल गल करो। इस अग नूं फैलन तों बचाना पएगा और अगर ये अग पंजाब दे विच फैलदी है ते सामनी मुश्किल होएगी। असी पहले बहुत नुकसान कर चुके हैं, साडी सारे दी जिम्मेवारी बनती है। सारी सियासी पार्टियां नूं कहांगा कि रब दे वास्ते ए पंजाब नूं बचाओ, ए पंजाब दी अग किते होर ना फैले। पंजाब ते पंजाबीयत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावा, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।